अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। शाम को जल्दी आ जाना। क्यों? तुम्हारे ससुराल से बुलावा आया है। मगर मैं नहीं जाऊंगा। तुम वहां नहीं जाओगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। अम्मी, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। तुम जवाबदार हो उनकी बेटी के। जो कुछ तुमने उसके साथ किया है, कोई भी माँ बाप ऐसे मौके पे अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ता। तो ना छोड़े, रख लें अपने पास। मैं जवाब देनी हूँ खानदान वालों का। उन्हें अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर ने फाइजा को कितनी सख्ती से मना किया है दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए। ये भी तो मेरी मोहब्बत का एक अंदाज है कि अपनी खुशी और ख्वाहिश की खातिर उसकी जान को खतरे में नहीं डाला। अपनी इस मोहब्बत का इजहार अपने ससुर के सामने करना। मेरी मानो, अपनी इस अकड़ को छोड़ो और फायजा को घर ले आओ। माफी मांग लो उनसे। माफी? क्यों मांगू माफी? इसलिए कि इसी में तुम्हारी बचत है। तलाक देने की सूरत में तुमको वो 1 करोड़ ही वापिस नहीं करने होंगे, वो पैसा भी लौटाना होगा जो उन्होंने तुम्हें बिजनेस करने के लिए दिया था। आगे भी तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, इसलिए फायजा को घर ले आओ। अकलमंदी इसी में है। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को जिबा नहीं किया जाता, उसे बड़े प्यार से हिफाजत से रखा जाता है। तलाक दे दो इस लड़की को। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता अम्मी। मैं फाइजा को छोड़ सकता हूँ, फहीमा को नहीं। ठीक है बेटा जी, फिर आप कर लीजिए 1 करोड़ का बंदोबस्त। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, और इस घर का नहीं सोचना।